हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो हेलो बोलिए भोलेनाथ की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। आप सभी लोग देख रहे हैं, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, आदरणीय हमारे गुरुतुल्य सम्मानी श्री दादाजी शंभू हरिचंद दादाजी के माध्यम से आप लोगों ने संपूर्ण रात में आनंद लिया है। और हमारी दीदी जी बहुत ही अच्छा, दोनों ही बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। बड़ा सौभाग्य है मेरा जो आज यहाँ पे कार्यक्रम लग गया और आज इन लोगों को देखने का मौका मिला। बिल्कुल, सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा जो जल्दी आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं यहाँ पर इन दोनों कलाकारों के बीच में आप लोगों ने खड़ा कर दिया है। अब इन महान कलाकारों के बीच में हम बच्चे क्या गा सकते हैं, लेकिन जब आदेश दादाजी का हुआ है तो आइए एक गीत मेरी तरफ से आप लोग सुनिएगा। चाहूंगी बिल्कुल बेटे बिल्कुल। भक्तों की बिगड़ी सदा बनाई है आपने, भक्तों की बिगड़ी सदा बनाई है आपने, भटके हुए को रहा दिखाई है आपने। ऐ मेरे बाबा, बाबा है भगतों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, और भटके हुए को राह दिखाई है आपने, और है सहारा तुम कभी दर्शन दिखा दोगे, क्योंकि तुम्हीं ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटे बिल्कुल। एक गीत बजा। कौन सा बेटा, कौन सा कौन सा? हम हैं मता हे कूचा हो बाजार की तरह, वाह बेटे वाह। Thank you.
और इंसान को सबसे पहले पूजने वाला बनाइए। दुनिया के सहे गमों के वाजिते इस दिल में दर्द का आला बनाइए। हमारे दादाजी के लिए एक शायर बोलना चाहूंगी। कहते हैं जो लोग अच्छे उनकी कहानी भी अच्छी। बिल्कुल दादाजी, जो लोग अच्छे उनकी कहानी भी अच्छी। हमारे सम्मानित दादाजी परवाना साहब जी बैठे हैं। दादाजी हमारे, कहना चाहूंगी हम बच्चे आप लोग सामने क्या गा सकते हैं? कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिना बुलाए आ गए हैं। और वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना बुलाए आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना बुलाए तो बेटा वो भी आ गए, नाम नहीं बताएंगे। और कहना है कि अब जब आ गए तो छोड़े क्यों ये, अब गाना तो गा के जाए। देखो बेटा, बिना बुलाए आ गए। हमारी सम्मानित श्री बड़ी बहन जो कि कीर्तन जगत में अपना नाम कर रही है, अपनी अलग पहचान बनाने वाली हमारी सम्मानित श्री रिंकी तिवारी कानपुर, जो आप लोगों ने संपूर्ण रात में ये कार्यक्रम रखा है। ये दादाजी, हाँ ये गुप्त दान है। हाँ देखा, कह रहे थे गुप्त। ये आशीर्वाद आया है दीदी जी की तरफ से। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बच्चे, ये बड़ा सौभाग्य है बच्चों का जो इस पुरस्कार के हम बच्चे आप लोगों ने काबिल बना दिया है। क्योंकि कहते हैं कि हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिलने की बात है। ये बात सही है बेटे। दादाजी गाने के मूड में नहीं आए थे, ये सुनने के मूड में आए थे। ये तो दिल मिलने की बात है, नहीं तो मैंने देखा है कि सात फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। झुकती है हर निगाह खरीदार की तरह, तुम्हें बता मैं पूछा वो बाजार की तरह, बाजार की तरह, बाजार की तरह। हमारे दादा सम्मानित श्री शंभू हलचंद दादाजी, आप खुश हो गए, आपकी तरफ से ये 251 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। कोड कोड नंबर है, आशीर्वाद की कामना है। बिल्कुल बेटे, बहुत धन्यवाद। बहुत पैसा मिल रहा है हमें। ये पैसा खर्चा न करना बेटे, खर्चा करना तो भंडारे में लगाना। हम शायद कोई नहीं बता सकता है। वाह बेटे वाह। इसलिए इस संसार में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। बिल्कुल बेटे, इसलिए कहना चाहूंगी क्या माँ बाप की तरह,
कैसे श्री राम के पिता भी नमस्कार यह है ढोलक में तबले के परा ये बात जैसे कहते बन कर के देखो सदेवन बन कर के देखो सदेवन कुमार की तरह बन कर के देखो सदेवन कुमार भोलेनाथ जी ये माता पार्वती मैया है तो प्रथम गुरु मेरी माता है इसीलिए कहना पड़ा क्या माँ के बिना ये जीवन माँ के बिना ये जीवन अंधकार की तरह अंधकार की तरह अंधकार की तरह इनके चरण कमल करता